सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा। कहाँ आ रही है तू अर्शी? हमारे साथ नहीं, तू हमारे साथ नहीं आ सकती। भाई मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दे सकती वर्षा। माँ बाप होने का फर्ज हमने निभाया, लेकिन तुमने एक बहू होने का फर्ज, एक पत्नी होने का फर्ज नहीं निभाया। अगर उनके घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तो हमारे घर में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती वर्षा। तू अपने फैसले खुद कर सकती है ना, तो कर। आजादी चाहिए ना तुझे, तो जा, दे दी तुझे आजाद। बाबा नहीं वर्षा, पत्नी होने के नाते आज तक मैंने तेरे आई के हर फैसले की इज्जत की है और आज भी करता हूँ। इस समय तुझे हमारे साथ लेकर जाना, इसका मतलब है तेरी गलती में तेरा साथ देना, और वो कतई नहीं होगा। चलो सुन बाबा, आई जाने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं तुमने वो तो नहीं किया जिसका मुझे डर था? क्यों किया तुमने? क्यों किया ऐसा तुमने? पता नहीं क्या हुआ होगा वहां। भावना काकी बहुत गुस्से में लग रही है। मुझे फोन करके वर्षा से बात करनी चाहिए। Currently switched off. Or check the phone off. कुछ तो हुआ है। वर्षा का फोन ऑफ है और सतीश फोन नहीं उठा रहा। भावना काकी ने क्यों बुलाया होगा आई को? क्या बात होगी? मैं वर्षु को फोन लगा रही, वो उठा भी नहीं रही। पता नहीं तब तक क्या होगा। क्या बता रही? अब तो जब आई बाबा आ जाएंगे तभी पता चलेगा। आई आई बाबा, बाबा आई आई, तू रो क्यों रही है? आई काय झालं? आई आई सब ठीक तो है ना? आई क्या बात है? आई तू बोल तो सही। आई वर्षु, वर्षु ठीक है ना? मुझे क्या हुआ? मुझे कुछ ठीक नहीं है अर्चु, कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारी बहन कुछ ठीक होने ही नहीं देती। भाई क्या हुआ वर्षु? ठीक है ना? मतलब बाबा प्लीज बता ही ना कुछ। क्या अर्चु?
तू उसे वहां कैसे छोड़ आई आई? अर्जु, तू वर्षा की तरफदारी करना बंद कर दे। मैं तरफदारी नहीं कर रही हूँ आई। मैं जानती हूँ वर्षा गलत, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आई कि हम उसे इस तरह छोड़ दे। आई उसे गलती हुई है, आई उसे नहीं समझ में आया, उसका साथ किसी ने नहीं दिया, इसलिए उसने ये सब कर लिया। वैसा भी हो सकता है हमने उसे इस तरह अकेले छोड़ दिया, वो कुछ और गलत कर लेगी तो क्या होगा आई? सही और गलत पर से तो विश्वास ही उड़ गया मेरा। हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है, तो ठीक है, इस बार मैं भी अपनी मन की करूंगी। लेकिन नहीं वर्षा का, मुझे अब इस विषय पर कोई बहस नहीं करनी है। जो मुझे कहना था वो मैं कह चुकी। आई अर्जुन, ये मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो तुम? अरे इस घर में वैसे भी मेरी चलती है क्या? नहीं ना, तो मुझसे कोई मदद की उम्मीद मत रखो। वैसे भी होना वही है जो बाकी सब चाहेंगे। मैं आई को नहीं समझा सकती हूँ, और वैसे भी वर्षा ने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि हम में से कोई उसकी मदद करे। दादा, वर्षा हमारी छोटी बहन है, हम उसे ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकते दादा? जब उसे हमारी जरूरत है, अगर हम ही उसका साथ नहीं देंगे तो कैसे चलेगा दादा? हम उसे कैसे मुंह मोड़ सकते हैं दादा? हम उसे कैसे कहीं और रहने दे सकते हैं? वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी? अर्जु, इस मामले में हम बात ना करें तो ही अच्छा है। वर्षा ने अपने ससुराल वाले को बहुत ठेस पहुंचाई है, और हम चाहकर भी इस मामले में कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, और अगर हम कुछ बोलेंगे तो हो सकता है बात और बिगड़ जाए। तो ये मामला जहां पर है उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए। हाँ बाबा, वो शामी की ट्रेन लेट हो गई, पता नहीं कब तक आएगी। हाँ एक मिनट, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। वर्षा, यहाँ क्या कर रही हो और इतनी परेशान क्यों? मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए। लेकिन कहाँ? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सबसे दूर जाना, बहुत दूर। वर्षा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पहली गलती तुमने अबॉर्शन करा के, अब दूसरी गलती ये, शायद अपने लोगों को छोड़ के जाओगे। अपने लोग? कौन अपने लोग? कोई मेरा अपना नहीं है यहाँ पर, और अगर किसी को मेरा साथ नहीं चाहिए तो फिर मैं भी किसी के साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन मैं अपने सामने तुम्हें ये बेवकूफी नहीं करने दूंगा, चलो मेरे साथ। कहाँ लेकर जाओगे मुझे? सतीश के घर पे या मेरे आई बाबा के घर पे? किसी को मेरी जरूरत नहीं है, ना ही मुझसे कोई हमदर्दी है। सबने अपने दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए। चलो मेरे साथ। ये मानव भी नहीं आया अभी तक, मुझे भूख लगी है। तो फिर तू खा ले ना, हाँ? वो क्या आके तुझे परोसेगा? मानव को छोड़ के आज तक मैंने कभी खाना खाया है? मैं आई हूँ उसकी। वही तो परेशानी है ना उसके लिए। क्या बोला? क्या बोला क्या? ये मुही में मैं बोलने की आदत है ना, मुझे जरा भी पसंद नहीं है। अरे मानव बेटा आ गया तू, और श्रावणी सच। ये क्या कर रही है? क्यों लाया इसे? अगर मैं स्टेशन से आ रहा था तो ये मुझे वहां मिले। गुस्सा बड़ी बुरी चीज होती है बेटा, वो दूसरों से पहले अपने आप को खा जाती है। तूने एक बार गलती की और दूसरी गलती करने जा रही थी तू। जब तक मामला शांत नहीं हो जाता, ये
यहाँ रह गया। दिमाग खराब हो गया तेरा? हातिम ताई बनने का बड़ा शौक है क्या? ये यहाँ नहीं रहेगी, ध्यान में रख, नहीं रहेगी यहाँ। कैसी बात कर रही हो सविता, कहाँ जाएगी ये बेचारी? बाड़ में। अगर इसको रहने को घर नहीं तो कहीं भी रहेगी, लेकिन ये हमारा घर धर्मशाला नहीं है। आई मारो, रहने दो, और ले, मेरी वजह से बहुत तमाशा हो गया। मैं नहीं चाहती कि अब मेरी वजह से यहाँ पर कुछ हो जाए। गलती मैंने की और इसकी सजा भी मैं ही भुगतूंगी। अच्छा होगा कब मैं यहाँ से चली जाऊँ। लोग ठीक कहते हैं, ओकर खाकर अक्कल आती है, तुझे आ गई अक्कल। वैसे हमारी भी इज्जत है यहाँ, तुझे यहाँ रखकर हम हमारा मान कमी नहीं करना चाहते। बस कर रहे। तू बस कर। जब भी अर्चना के घर से किसी की बात निकलती है ना, तेरा दिमाग काम करना बंद हो जाता है। लेकिन मेरा दिमाग ठिकाने है। तेरी जगह अगर राह चलती दूसरी कोई लड़की होती तो मैं संभाल लेती, लेकिन तू अर्चना की बहन है इसलिए यहाँ नहीं रहना। अरे देख क्या रही है, चली जा यहाँ। भूख लगती है तो मेरा दिमाग और गर्म होता है। चल निकल निकल। मानव बात समझ ले। तू समझ ले और सही यहीं रहेगी। मानव? मानव नहीं, मानव की माँ बोल रही हूँ। मानव के भोलेपन का फायदा उठाकर तुम अपनी मनमानी करती थी ना, अब ऐसा नहीं करने दूंगी मैं। आई लेकिन क्या बात है? लो बात क्या है पूछ रही है? तो बात ये है बेटा, ये मेरा घर है और धर्मशाला नहीं है। तुम बहने अपनी मनमानी करके जब भी चाहो तब मेरे घर घुस आओ। मेरी बहने मतलब भाई? हाँ, तुम्हारी बहन वर्षा अपने पति का घर छोड़कर लावारिस की तरह भटक रही थी। मेरे बेटे की शराफत है वो उसे उठाकर घर लेके आया। मेरा मानव है भोला भाला, उसे उस पर तरस आया और अपने घर लेके आया। आई वर्षा आपके घर पे? आई भगवान का शुक्र है कि वर्षा। ए पागल, कल गुरुवार था आज शुक्र है, समझे? शनिवार नहीं काटने दूंगी। तू जल्दी से आ और अपनी बहन को लेके जा। राशन कितना महंगा हो गया मालूम है क्या? 10,000 देती नहीं है, हा? और भेज दिया अपनी बहन को। मैंने चाहे जो कुछ भी कहो लेकिन बस वर्षा ठीक है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब मुझे कुछ भी करके वर्षा को वापस लाना होगा। सुनिए, सतीश एकदम खामोश सा हो गया है, ना कुछ कहता है ना कोई जवाब देता है, बस सारा दिन खोया खोया सा रहता है। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है, पर करें तो क्या करें, जिस दौर से वो गुजर रहा है, जो दर्द उसे मिला है, अगर किसी और के साथ भी ऐसा होता तो उसकी भी यही हालत होती। वर्षा के एक गलत फैसले से उसे बहुत ठेस पहुंची है। सतीश बेटा नाश्ता करके जा ना। नहीं आई, भूख नहीं है। अरे कैसे भूख नहीं है, है? अरे आके बैठ तो सही। अरे तेरी आई ने आज बहुत दिनों के बाद में बहुत अच्छी चीज बनाई है। जिंदगी में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। आ तो सही। कहा ना बाबा, भूख नहीं है।
सतीश एक मिनट बेटा, क्यों तू अपने आप को इतनी तकलीफ दे रहा है बेटा? जो हुआ हम उसे बदल तो नहीं सकते ना, तो फिर तू अपने आप को क्यों बदलने की कोशिश कर रहा है? तेरी इसमें कोई गलती नहीं है तो क्यों सजा दे रहा है अपने आप को तू? भाई गलती कहीं ना कहीं तो हम सबसे हुई है, कुछ वर्षा से, कुछ मुझसे और कुछ आपसे भी। अगर हम वक्त रहते इन सब बातों को संभाल लेते तो शायद ये सब होता ही नहीं। अच्छा बेटा आ जा बैठ यहां पे। ना प्यार जताने की कोई जरूरत नहीं है, प्यार के लायक नहीं है ये लड़की। अपने पति को ठेस दी तुम्हें ठेंगा दिखाएगी। आराम से बैठा वर्षा रानी, मैं तुझे ठूसने देती हूं, नहीं तो मेरा आएगा मानव और चार बातें मुझे सुनाएगा। मैंने गलत नाम रखा, मानव रखना चाहिए था देवता। ये उम्र में मुझे पति और बेटे की बातें सुननी पड़ती है। मेरी क्या मजाल है तुझे सुनाने की? मन ही मन तो सुनाते हो ना वर्षू। रुकोदार, मैंने तुझे घर बुलाया है तेरी बहन को लेके जाने के लिए, घर में घुसने के लिए नहीं। जब भी देखती मौका ही ढूंढती है घर में घुसने का, मानव की जिंदगी में आने का। कैसी बात करी हो सविता, हमेशा उसको ताने देती हो। क्या बिगाड़ा है इस बच्ची ने तेरा? क्या बिगाड़ा है? हर वक्त मुझे याद दिलाना पड़ेगा क्या? कितना बर्दाश्त किया मैंने और मानव ने इसकी वजह से। एक रात तुझे यहाँ रखा है, बहुत एहसान किए मैंने तुझ पर। चल निकल निकल। आई थैंक यू। ठीक है कि आपने रात भर मुझे यहाँ रुकने दिया, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती और ताई मैं घर भी नहीं आना चाहती। वर्षा फिर से वही जिद कर रही है। इसे जिद ने तो मैं इतनी मुश्किलें दी और आज फिर तुम जिद कर रही हो। देखो वर्षा, जो भी हुआ, जो भी तुमने बोला, सब गुस्से में बोला। आज अर्चना आई है तुम्हें घर ले जाने के लिए। बिगड़ती बात बन सकती है वर्षा, जाके कोशिश तो करो। लेकिन मानव जीजू, नहीं, ये अभी तेरी बहन का कोई भी नहीं लगता, ध्यान में रख। वर्षु चल यहां से। ताई क्या फायदा है वहां पर जाकर? तू मुझे वहां पर लेके जाएगी और आई मुझे घर में लेगी नहीं। फिर नहीं वर्षु, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ ना तो तू जैसा बोलेगी मैं वैसा ही करूंगी बस। लेकिन अभी चल ताई प्लीज। मैं ये तुम्हारी नौटंकी यहाँ नहीं चाहिए मुझे। सवेरे सवेरे ये भरत मिलाप का नौटंकी मुझे नहीं चाहिए। चल निकल। आई क्या सविता जी? गिरीश बाबू, ये अर्चना की बहन है वर्षा, उसने अपना बच्चा गिरा दिया। पति को पता नहीं, ससुराल वालों को पता नहीं, तो ससुराल वालों ने इसको बाहर निकाल दिया।
अपने आई के घर जाना चाहती तो उन्होंने मना कर दिया। रास्ते पे भटक रही थी तो हमारे देवता ने देख लिया और उसे ये बोलकर घर में लाया कि जब तक तुझे रहने को घर नहीं मिलता तब तक तू हमारे घर पे रहना। इसलिए मैंने इसकी बहन को बुलाया उसको लेके जाने के लिए, फिर भी ये जाने को तैयार नहीं। चल निकल निकल। चल।